यो इट्स रजनी इनोवेटिव और स्वागत है आप लोगों का। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ मैक्रम से किस तरीके से आप आराम से वॉल हैंगिंग बना सकते हैं, और जो मैंने बना रखा है वो आपको दिखाती भी हूं। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके का है ये वॉल हैंगिंग जो आप मैक्रम और बीड्स की हेल्प से बहुत आराम से बना सकते हैं, और ये आपकी दीवारों को ना चार चांद लगा देगा, बहुत अच्छा दिखता है ये। ये देखिए इस तरीके से है ये। तो मैंने पूरा अच्छे से वीडियो डाला है, तो थोड़ा लॉन्ग है वीडियो, पर प्लीज इसे देखिए, आपको पता चल जाएगा बहुत इजीली बन जाता है ये। और दूसरा मैं दिखाती हूं, दूसरा है कुछ इस तरीके का, ये देखिए इस तरीके का है, बीज के साथ बनाया है ये, बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज इसे ट्राई कीजिए, और अगर आप ट्राई करते हैं ना तो प्लीज मुझे भेजिए क्या बनाया है आपने, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको ऐसी और इनोवेटिव वीडियोस मिलने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी या। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना मैक्रम का वॉल हैंगिंग बनाना। तो इसके लिए आपको चाहिए सारे बीड्स, मैंने लिए हैं पर्पल और व्हाइट कलर की बीड्स, और चाहिए होगा आपको इस तरीके का लूप। ये लूप आपको आराम से स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएगा। ये इस तरीके से जॉइन था जिसको मैंने ब्रेक कर दिया और उसको थोड़ा सा वाइड ओपन कर दिया, और आपको ये पतली वायर भी मिल जाएगी आराम से। सीजर चाहिए होगा आपको इस तरीके से, कटर चाहिए होगा, और फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैक्रम, ये आपको चाहिए होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो लूप है इसके अंदर हमें ये बीड्स को डालना है, वन बाय वन हम इसको डालेंगे, एक वाइट और एक पर्पल इस तरीके से। ऑलमोस्ट ये कवर हो गया है, अगर हम देखें तो ये ऑलमोस्ट कवर हो गया है। चाहे तो हम एक और डालकर इसे फिनिश कर देते हैं इस तरीके से। अब देखिए यहाँ तक जब आपका फिट कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल से ये जो वायर है इसको आपको यहाँ पे अटैच करना है। तो आप ये देखिए मैं क्या करूँगी, इधर से लूँगी, इन दोनों वायर को पकड़ूँगी, अच्छे से आपको इन दोनों को पकड़ लेना है पहले, और उसके बाद ऐसे राउंड करके ये दो बार आपको घुमा देंगे बस, और फिर जो इसका एंड है इसको भी सिक्योर कर देना, वो तो आराम से हो भी जाएगा। उसके बाद ये आपके निकलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से फिर से डाल लीजिए, और आपको इसका दूसरा एंड आपको यहाँ पे ज्वाइन करना है। सिंपली आप इसे प्रेस करके ऐसे भी कर सकते हैं, और नहीं तो फिर इसको दबा दीजिए। बस इतना काफ़ी है।
तो ऑलमोस्ट ये कवर हो गया है, अगर हम देखें तो ये ऑलमोस्ट कवर हो गया है। चाहे तो हम एक और डालकर इसे फिनिश कर देते हैं इस तरीके से। अब देखिए यहाँ तक जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल से ये जो वायर है इसको आपको यहाँ पे अटैच करना है। तो आप ये देखिए मैं क्या करूँगी, इधर से लूँगी, इन दोनों वायर को पकड़ूँगी, अच्छे से आपको इन दोनों को पकड़ लेना है पहले, और उसके बाद ऐसे राउंड करके ये दो बार आपको घुमा देना बस, और फिर जो इसका एंड है इसको भी सिक्योर कर देना, वो तो आराम से हो भी जाएगा। उसके बाद ये आपके निकलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से फिर से डाल लीजिए, और आपको इसका दूसरा एंड आपको यहाँ पे ज्वाइन करना है। सिंपली आप इसे प्रेस करके ऐसे भी कर सकते हैं, और नहीं तो फिर इसको दबा दीजिए। बस इतना काफ़ी है। तो ये देखिए दोस्तों मैंने ये दोनों तरफ इसको अटैच कर दिया वायर को, ये थोड़ा सा है मेसी पर आप करेंगे तो हो जाएगा, और ज़्यादा एंड को इसको कवर, अब हम इसे कवर करेंगे। ये देखिए इस तरीके से होना चाहिए, वायर इतनी होनी चाहिए कि आप अगर इसे ये इस तरीके से फैलाएं तो ये आराम से थोड़ा सा ये लूप बनना चाहिए, बस इतना ही है। अब इसके बाद इसका रोल आता है, हम नॉर्मल मैक्रेम इस तरीके से नहीं करेंगे, हम देखिए कैसे करने वाले हैं। अगर आप इसके एंड को इस तरीके से खींचेंगे तो ये देखिए इस टाइप से निकल जाता है, ये जो नायलॉन मैक्रम होता है इस तरीके से निकल जाता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखिए हम यहाँ पर इस तरीके से इसको रैप करेंगे, क्योंकि एंड है तो इसको अगर हम रैप कर दें तो ये पूरा कवर हो जाएगा। इस तरीके से हमें रैप करना, देखिए ये आप ऐसे खींचते रहेंगे तो ये ऐसे निकल जाता है। तो मैं इस पूरे वायर को भी कवर कर दूंगी, ये देखिए मैंने, अब देखिए यहां तक मैंने कवर कर दिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ऐसा करना है कि मैं एक ये बीड लूं और इसके बाद मैं इस तरीके से करने वाली हूँ, और ऑलमोस्ट मैं 2-3 राउंड्स करूंगी, इसलिए हमने थोड़ा इसमें गैप छोड़ा। आप देखिए ये सेकेंड, और उसके बाद मैं ये सेकेंड लेके जाऊंगी, और बस आपको ये देखना है कि ये वाली वायर और ये वाली वायर को आपको कवर करना है। इसी तरीके से फिर आप ऐसे ले जाइए, करना आपको बस वही है कि आपको फिल कर देना है, फिर ये ले लीजिए और फिर इसको लीजिए। बहुत ज़्यादा टाइट मत कीजिएगा क्योंकि वायर जो है हमें पूरे में करना है। सो स्लोली स्लोली ये देखिए, अगर मैं इसको खींच रही हूँ तो ये आपका अपने आप ही इस तरीके से हो जाता है। तो ये देखिए, फिर आप नेक्स्ट ले लीजिए, कोशिश करना है कि आपको ये वाला गैप भी फिल करना है। तो हल्का सा यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से ले लीजिए, पर गैप फिल करना है आपको। तो मैंने ये देखिए 2-3 ऐसे कर लिए, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ से भी कर लूँगी मैं, ताकि यहाँ पर गैप ना दिखाई दे।
दोस्तों मैंने यहाँ से यहाँ तक इसे कंप्लीट किया है। अब बस आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे क्योंकि अब ये कम बचा है, तो आप जब करेंगे इसे, तो ये देखिए इसे आपको गैप छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे हम कम गैप छोड़े थे, यहाँ पे हमें गैप छोड़ना है। तो ये देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, ऑलमोस्ट मैं एक राउंड और फिर ये दूसरा राउंड। देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक ही कंप्लीट हो गया है, बट यहाँ पे ये जो है ना, ये एंड कैसे कंप्लीट करना है वो मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि देखिए अभी ये पोर्शन बाकी है, तो थोड़ा और ले सकते हैं। इस तरीके से आप ये रैप करें ना, बहुत इजीली ये रैप हो जाता है। देखिए इस तरीके से इसको थोड़ा ज़्यादा ऐसे राउंड राउंड करके, और आपको पता ही मैंने ये बताया कि ये ऐसे रिमूव हो जाए, तो इस तरीके से इसको पूरा फुल्ली कवर कर लेना है, और जो एक्स्ट्रा होगा वो हम कट कर देंगे। तो देखिए अब इसे एंड कैसे करना है, आप इसे ऐसे लीजिए, नॉट बनाइए और फिर इसे इसके अंदर इस तरीके से एक और इस तरीके से राउंड बना के, और फिर ये, और इसके बाद बस ये हमारा हो गया कंप्लीट। मैं इसे कट कर लूँगी और यहाँ तक ये चीज़ कंप्लीट हो चुकी है। आप इसे थोड़ा सेट भी कर सकते हो, मुझे ये ठीक लग रहा है यहाँ तक। अब इसके आगे बताती हूँ कि मेरे को क्या करना है। अब देखिए दोस्तों ये बनके कंप्लीट हो गया है, अब मुझे यहाँ पर इसके ये हैंगिंग्स लगाने हैं। तो मैंने सोचा, देखिए आप कितना भी ले सकते हैं, आप जितना भी लेंगे, आपको क्या ध्यान रखना है कि ये इस तरीके से मैं यहाँ पर अटैच करने वाली हूँ। अब इसके अंदर मैं बीड्स लगाने वाली हूँ, जैसे कि मैंने ये एक लिया है, इसके बाद मैं वाइट ले रही हूँ, इसके बाद फिर पर्पल इस तरीके से, और फिर मैं ये इन दोनों को इस वाइट वाले में, बड़े वाले में इस तरीके से डाल दूँगी। तो ये देखिए मैंने पहले ऐसे रेडी कर लिया, फिर आपको दूसरा दिखाती हूँ इस तरीके से। चलिए इसको भी आपको बता देती हूँ। देखिए कैसे लेना है आपको, आपको लेना है कि ये थोड़ा थोड़ा इससे बढ़ाते रहे, जैसे कि ये मैंने लिया है, तो जो इसका सेकंड पोर्शन है वो यहाँ आ जाएगा, फिर देखिए थर्ड पोर्शन है इसका यहाँ पे आ जाएगा, फिर फोर्थ, और इसी तरीके से मैं और आगे की तरफ लेती जाऊँगी। तो ये आपको बता देती हूँ कैसे रखना है, एक ये लेना है, और आपके पास जो भी पड़े बीड्स पड़े हों आप उनका यूज़ कर सकते हैं। ये भी मैंने कलर किए, मेरे पुराने बीड्स थे जिनको मैंने कलर करके फिर मैं रीयूज़ कर रही हूँ, और फिर भी ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। इस तरीके से आप इसे सेंटर में कर लीजिए और फिर इन दोनों को इसके अंदर डाल दीजिए इस तरीके से। अब ये देखिए मैंने अरेंज कर लिए, और इसी तरीके से और भी हैंगिंग्स मैंने अरेंज कर लिए हैं, और मैं इनको अब ग्लू गन की हेल्प से पीछे की साइड से, इधर पीछे की साइड में मैं इसे चिपकाऊंगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। सो ये दोस्तों देखिए ये मैंने कंप्लीट कर लिया है, अब मैं ग्लू गन की हेल्प से ये जो बीच से यहाँ पे अटैच करने वाली हूँ। सो ये ग्लू गन मैंने ले लिया, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस तरीके से लगाकर इसको यहाँ पे अटैच कर दूंगी। और इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी करने वाली हूँ। ये देखिए ये दोनों जो एंड्स है ना, बस आप इसको यहाँ पर होप आपको अच्छे से दिख रहा हो। हम इसे थोड़ा गैप पे वैसे लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे लगता है, मैंने थोड़ा ज़्यादा ही पास लगा दिया। और इस तरीके से ही हमको यहाँ पे भी लगाना है,